हेलो गाइस, बात कर रहे हैं यहाँ पर फहमान ख़ान के बारे में। फहमान ख़ान की अगर बात करें तो धर्मपत्नी शो ऑफर गया है हाल ही में, और तब से लगातार उनको लेकर डिमांड चल रही है, उनको लेकर खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बता दें आपको, खतरों के खिलाड़ी शो में नज़र आ सकते हैं, इस तरह से भी बातें सामने आई हैं। जी हाँ, बिग बॉस का हिस्सा बन सकते हैं, खतरों के खिलाड़ी में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे इतने लंबे टाइम के बाद उन्होंने काफ़ी टीवी पर काम किया है। उसके बाद अगर कोई एक्टर रियलिटी शो में एंट्री करता है तो वाकई में धमाल तो मचता ही है। सो यही वजह है कि फैंस जो हैं उनके डिमांड कर रहे हैं कि बिग बॉस में अब उनको एंट्री करनी चाहिए। सुम्बुल ने तो एक ही शो को देने के बाद एंट्री कर दी थी, तो फैमान की तो अब बारी बनती है। सो बता दें, फिलहाल तो खतरों के खिलाड़ी को लेकर ज़्यादा चर्चा चल रही है, उनके नाम को लेकर कि शो का हिस्सा बनेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि सुम्बुल दौकीर और फहमान खान दोनों साथ में नज़र आ सकते हैं, कब आएंगे नज़र, इस बात को लेकर भी फैंस एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। दोनों के बीच आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं सही चल रही थी, जिस वजह से दोनों साथ में काम नहीं करते हुए नज़र आए पिछले कुछ टाइम से। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे चांसेस हैं कि शायद ये दोनों ही खतरों के खिलाड़ी शो का हिस्सा बनने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें, काव्या शो में नज़र आ रही हैं सुम्बुल दौकीर, और काव्या शो के ऑफर को लेकर बातें सामने आ रही हैं। सो अगर वो शो ऑफर जाता है काव्या शो, तो फिर यहाँ पर सुम्बुल दौकीर भी आपको साथ ही साथ देखने को मिल पाएंगी फहमान के साथ में खतरों के खिलाड़ी शो के अंदर एंट्री करते हुए। क्योंकि खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा अभी इन दोनों में से कोई नहीं बना है। सो ये दोनों के पास मौका है कि दोनों साथ में काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, और काव्या शो अगर लॉन्ग रनिंग रहता है तो फिर आपको यहाँ पर वो साथ में देखने को नहीं मिल पाएंगे। सो कमेंट करके आप लोग एक्साइटमेंट बताइएगा कि एक साथ दोनों को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है। हालांकि ये तो हुई एक रियलिटी शो की बात, लेकिन अगर इन दोनों को लेकर कोई म्यूज़िक वीडियो क्रिएट किया जाए, जो कि क्रिएट होते होते रह गया, सो फाइनली अब वो तो बनना चाहिए। सो फैंस की जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।